हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे एक विश्व की ऐसी होटल की जो दो देशों की बॉर्डर सीमा पर बिल्कुल बीचों बीच गुजर रही है। मतलब अपन यूं कह सकते हैं कि अगर उस होटल में रात में रुके हो और अगर आप करवट भी लोगे ना, तो आप दूसरे देश में चले जाओगे, है ना। कितनी अमेजिंग की बात, मतलब कितनी आश्चर्य की बात है कि आप किसी होटल में सो रहे हो बेड पर और जैसे ही आपने करवट ली आप दूसरे देश में चले गए। बहुत ही अजब गजब की बात है। आज ऐसी एक होटल की अपन बात करेंगे कि वो कौन सी होटल है और वो कौन सी दो देशों के बीच जो बीच सीमा से बीच में गुजर रही हैं और वो ऐसे क्यों हैं, इसके बारे में आए अपन जानेंगे। आइए देखते हैं। इस होटल का नाम अर्बेज फ्रांको सुइसे है। इस होटल का नाम अर्बेज फ्रांको सुइसे है। यह होटल फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। अब ये देखिए, यह होटल फ्रांस और जो स्विट्जरलैंड है उसकी सीमा, जैसे कि इधर फ्रांस है इधर स्विट्जरलैंड है, तो ये दोनों देशों की सीमा उस होटल के बीचों बीच गुजर रही है। देखिए आप, इतना मतलब ये विचित्र होटल है। उस सीमा ला क्योर इलाके में स्थित है, जो दोनों देशों के बीच की जो सीमा है उसको ला क्योर का क्षेत्र कहते हैं। यह होटल दोनों देशों में आता है, यह होटल दोनों देशों में आता है, स्विट्जरलैंड में भी आता है और फ्रांस में भी आता है। इसलिए इसके दो दो पते हैं, मतलब इसको जब पर्यटकों के रूप में इसको जानते हैं तो दो दो पते के रूप में एक पता स्विट्जरलैंड का दिया जाता है, एक पता फ्रांस का दिया जाता है। देखिए आप, है ना कितनी रोचक की जानकारी। दोनों देशों की सीमा इस होटल के बीचों बीच गुजरती है। अब जैसे कोई मकान है, उस मकान के बीचों बीच दोनों डिविडेशन हो गए। ये देखिए आप, दोनों एक पार्टीशन अलग देश का, एक पार्टीशन अलग देश का। अंदर से बिल्कुल कोई मतलब दीवार नहीं है, अंदर से खुला है। आप यह वाली स्थिति देखिए। अब इस जब इंसान इसके अंदर जाता है तो लोग दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। जब आप उस होटल के अंदर घुस रहे हो तब अलग देश की सीमा है और जैसे ही अंदर गए तब अलग देश की सीमा आ गई। देखिए, इस होटल का बाहर स्विट्जरलैंड में है तो बाथरूम फ्रांस में है। है ना कितनी अजब गजब की बात। अब आप होटल में गए, बार बार या खाना रेस्टोरेंट कुछ भी आप खा रहे हो तो वो स्विट्जरलैंड में है और बाथरूम, अब अगर आपको बाथरूम आ गया और बाथरूम करने गए तो वो फ्रांस में आ गया। मतलब ऐसा होटल विश्व में शायद कहीं नहीं है। देखिए, अब इसमें जो डबल बेड है, इस होटल के डबल बेड है, ध्यान रखना, ऐसे सजाए गए हैं कि आधे फ्रांस में और आधे स्विट्जरलैंड में। अब जो बेड रखे हैं होटल के अंदर बीचों बीच रखे हैं, एक आदमी कोई सोएगा तो फ्रांस में सो रहा है, उसके जस्ट पास में कोई आदमी सो रहा है तो स्विट्जरलैंड में सो रहा है। देखिए, और अगर विचित्र की बात यह है, अगर कोई भी आदमी बेड डबल बेड में भी अकेला आदमी सो रहा है तो वो रात को अगर करवट भी बदल लेता है ना तो एक देश से दूसरे देश में आ जाता है। यह स्थिति, बेड भी ऐसे रखे हुए हैं कि दोनों देशों की सीमाओं के बीच के बीचों बीच बेड रखे हुए हैं। मतलब आप सोओगे, इधर सोओगे तो फ्रांस आ जाएगा, इधर सोओगे तो स्विट्जरलैंड आ जाएगा। है ना कितनी रोचक की बात। यह जगह 1862 में अस्तित्व में आई थी। पहले यहां एक कहते हैं किराना की दुकान संचालित होती थी। उसके बाद में 1921 में अर्बेज नाम के व्यक्ति ने इस शख्स ने वो किराना की दुकान खरीद ली और इस जगह उसने खरीदा और होटल का निर्माण कर लिया। ठीक है, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। अभी वर्तमान में यह होटल दोनों देशों की पहचान है। अभी इस होटल की इतनी पहचान हो गई है और इतने पर्यटक इस होटल में आते हैं कि आप पूछो मत। पहले पहले आपको मतलब महीने महीने पर पहले बुकिंग करानी होती है। मतलब इतनी इस होटल ने प्रसिद्धि पा ली, दो देशों के बीच की होटल, अलग एक तरफ फ्रांस एक तरफ स्विट्जरलैंड। मतलब यह पर्यटकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो गई, मतलब इतनी लोकप्रिय हो गई कि इस होटल की मतलब पूरे विश्व में इस होटल को पहचाना जाता है इन दोनों देशों की सीमा के कारण। तो है ना कितनी रोचक की जानकारी। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।